अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पर नबी के। आज की हमारी जो वीडियो है वो है सुजुकी जीआर 150 के ऊपर। सुजुकी जीआर 150 का जो 2024 मॉडल है इस वक्त आपके सामने है, और 2024 मॉडल के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस मिल रही हैं, साथ में इस 2024 मॉडल की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इस बाइक के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स इंस्टॉल मिलेंगे, क्या क्या इसके अंदर अपडेट्स हैं, साथ में इसकी लेटेस्ट प्राइस इस वक्त क्या चल रही है, और चेंजेस सबसे बड़ी चीज़ के चेंज आपको 2023 के बाद 2024 में क्या मिला है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेटा वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके मीटर के साथ। तो आप देख सकते हैं इसका जो मीटर है इसके अंदर आपको आरपीएम मिल रहा है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, इसके अंदर आपको फीचर्स वाइज तमाम चीज़ें मीटर के अंदर इंस्टॉल मिलेंगी। और साथ में अगर हम इसकी स्विच को देखें तो स्विच असेंबली आप देख सकते हैं कि आपको सिंपल सी स्विच असेंबली मिल रही है इसकी, और लॉक भी इसके अंदर ही है। साथ में अगर इसके असेंबलीज को देखें तो साथ में आपको राइट साइड के ऊपर हेडलाइट ऑन ऑफ सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर है, हेडलाइट हाई लो इंक्रीज, लेफ्ट राइट हॉर्न अवेलेबल है। इस बाइक के अंदर किल स्विच एज यूजुअल मिसिंग है। इसके बाद अगर हमें इस बाइक की फ्रंट साइड के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट से जो बाइक की लुक है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त बनाई गई है। साथ में बाइक के अंदर आपको फ्रंट हेडलाइट के अंदर जो बल्ब मिल रहा है वो हैलोजन बल्ब इंस्टॉल मिलेगा, और पार्किंग बल्ब इसके साथ आपको अवेलेबल मिलेगा। इसके साथ अगर बाइक के फ्रंट शॉक्स को देखें तो बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। साथ में आपको इसके अंदर शॉक्स की कवरिंग भी मिलेगी, और फ्रंट पर जो बाइक का टायर है ये 2.75x18 का फ्रंट टायर है, 18 इंच के बाइक के अंदर आपको ऑलोरेंस मिलेंगे फ्रंट पे। और फ्रंट पे इस बाइक के अंदर आपको डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक इंस्टॉल मिलेगी, जिसकी वजह से बाइक की ब्रेकिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। अब अगर इस बाइक के टैंक की तरफ आ जाएं तो बाइक का जो टैंक है उसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन इसका बनाया गया है टैंक का। साथ में अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात कर लें तो इस बाइक की जो आपको टैंक कैपेसिटी मिल रही है ये 12.5 लीटर की टैंक की कैपेसिटी आपको मिल जाएगी, और देखने में छोटा टैंक है लेकिन है 12.5 लीटर का। साथ में अगर हम देखें इस बाइक की पेट्रोल एवरेज को तो इजीली आप इस बाइक से 45 किलोमीटर पर लीटर तक एवरेज ले सकते हैं, 50 तक भी ले सकते हैं, लेकिन 50 तक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको ज़्यादा ही एहतियात करनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल आपको इससे 40 से 45 तक इजीली पेट्रोल एवरेज मिल जाएगी। साथ में अगर हम सीट की बात करें तो बाइक की जो सीट है वो बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल सीट आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर आए बाइक के इंजन की तरफ तो इस बाइक का जो इंजन है ये 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ अगर हम बैलेंसर की बात करें तो सुजुकी की तरफ से बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि बैलेंसर है या नहीं, लेकिन जब आप इस बाइक को चलाते हैं तो चलाने के बाद आपको पता लगता है कि वाकई इसके अंदर बैलेंसर इंस्टॉल है। तो कंफर्ट वाइज तो बाइक बहुत अच्छा है, साथ में इंजन में वाइब्रेशंस बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें यही लगता है कि बैलेंसर इसके अंदर इंस्टॉल है। साथ में अगर हम देखें इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट को तो 150 क्यूबिक सेंटीमीटर बाकी आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। इस बाइक के अंदर 57 mm का बोर है, 58.6 mm का इस बाइक के अंदर आपको स्ट्रोक मिल जाएगा। अगर हम इस बाइक की हॉर्स पावर की बात करें तो 8.2 किलोवाट इस बाइक की आपको हॉर्स पावर मिलेगी, जो कि आपकी तकरीबन 10.5 से 11 के दरमियान आपकी हॉर्स पावर बनती है। इसके बाद अगर हम बात करें टॉर्क की तो 11.5 न्यूटन मीटर टॉर्क इस बाइक की आपको मिल जाएगी, जो कि ये 5500 RPM के ऊपर प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसके कार्बोरेटर की बात करें तो बाइक के अंदर आपको सिंपल कार्बोरेटर इंस्टॉल मिलेगा, और साथ में इस बाइक के अंदर आपको अगर गियर्स की बात करें तो 5 गियर ट्रांसमिशन इस बाइक के अंदर इंस्टॉल है, और सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों सिस्टम इसके अंदर अवेलेबल आपको मिलेंगे। इस बाइक के अंदर अगर हम कूल सिस्टम को देखें तो बाइक के अंदर आपको कूलिंग सिस्टम है, सिर्फ एयर कूलिंग सिस्टम मिल रहा है, इस बाइक के अंदर कोई लिक्विड कूलिंग सिस्टम वगैरह नहीं है। साथ साथ अगर हम इस बाइक की टॉप स्पीड और पिकअप को देखें तो बाइक की जो पिकअप है वो अच्छी है, लेकिन आप अगर इसको GS से कंपेयर करते हैं इसके पिकअप को तो GS की इससे बहुत बेहतर पिकअप है। अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो 105 से 110 तक इस बाइक की टॉप स्पीड है। अब अगर हम इस बाइक की बैक साइड की तरफ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको बैक पे फुल चेन कवर इंस्टॉल मिलेगा। फुल चेन कवर होने के साथ साथ इसके जो चेन कवर है इसका डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। साथ में अगर हम देखें इसका बैक टायर तो इस बाइक का जो बैक टायर है ये 90x90 का बैक टायर है, 18 इंच के अलॉयज हैं, और बैक पे ड्रम ब्रेक इंस्टॉल है। जो बैक पे इसके शॉक्स हैं वो 5-स्टेप एडजस्टेबल स्विंग आर्म शॉक्स इसके बाइक के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर हम इस बाइक के साइलेंसर को देखें तो इस बाइक को जो आपको साइलेंसर मिल रहा है वो ब्लैक पाउडर कोटेड साइलेंसर है, और क्रोम प्लेट इसके ऊपर इंस्टॉल है। साथ में अगर हम इसके साउंड की बात करें तो साइलेंट साउंड आपको ये मिल जाता है इस बाइक का, और इस पर जो कोटिंग हुई हुई है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हुई हुई है इसके अंदर। इसके बाद अगर बैक साइड पे आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको बैक लाइट में सिंगल लाइट इंस्टॉल मिलेगी, और डिज़ाइन वाइज बैक लाइट अच्छी है इसकी। बैक पे जो इसके अंदर आपको मडगार्ड मिल रहा है वो हार्ड प्लास्टिक का बैक मडगार्ड मिल रहा है। तो ये तो कुछ जनरल स्पेसिफिकेशंस थी। अब हम आते हैं मेन चीज़ की तरफ, जो कि है चेंजेस। अब आपको 2024 मॉडल क्या क्या चेंजेस मिल रही हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 2024 मॉडल के अंदर आपको एक भी चीज़ डिफरेंट नहीं मिल रही। 2023 मॉडल को 2024 मॉडल को सामने रख लें तो आपको पता लग जाएगा सेम टू सेम है, वही पुरानी चीज़ आपको दी जा रही है। इस बार भी 2024 मॉडल में आपको एक भी चेंज नहीं मिल रहा।
अगर हम बात करें 2022 मॉडल की, तो इवन 2022 मॉडल में भी इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया हुआ। 2022 में जो इन्होंने लॉन्च किया था मॉडल, वही 2023 में यूज़ किया है और वही सेम टू सेम चीज़ अब ये 2024 के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं। 2024 में और 2023 में सुजुकी ने कुछ भी अपडेट नहीं किया, सेम टू सेम रखा है। 2022, 23, 24 आपको सेम टू सेम चीज़ मिल रही है, चाहे आप GD को देख लें या फिर आप GS को देखें या फिर GR150 को देखें, आपको सेम टू सेम चीज़ मिलेगी, किसी भी चीज़ का डिफरेंस नहीं मिलेगा। 2024 मॉडल में आपको वही सेम चीज़ मिल रही है जो 2023 मॉडल के अंदर है। अब 2023 मॉडल लें या 22 मॉडल लें या 24 मॉडल लें, एक ही बात है। अगर आपको कोई 2022 मॉडल अच्छी कंडीशन में मिल जाता है, कम चला हुआ मिल जाता है, तो आप उस पर चले जाएं तो बेहतर है। वो आपको कम अज़ कम भी वो आपको 70,000 से 80,000 रुपये सस्ता मिल जाएगा इसकी जो करंट प्राइस है उससे, हो सकता है ज़्यादा सस्ता मिल जाए। अब अगर इस बाइक की कंफर्ट को देख लें तो बाइक की जो कंफर्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको कंफर्ट वाइज ये बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। बाइक के अंदर आपको जो सीट मिल रही है वो बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल है, साथ में इस बाइक के अंदर जो आपको शॉक्स मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे और अच्छी क्वालिटी के शॉक्स आपको मिल जाएंगे, साथ में फास्ट एडजस्टेबल हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें इसके इंजन को, तो इंजन में आपको बैलेंसर सुजुकी की तरफ से तो कोई भी मेंशन नहीं किया गया कि बैलेंसर है या नहीं, लेकिन इसको चलाने के बाद पता लगता है कि वाकई इसके अंदर बैलेंसर है। तो बैलेंसर होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस काफ़ी कम प्रोड्यूस करता है। आप इस पे 70 की स्पीड में फिरें, 80 की स्पीड में फिरें, जितनी मर्जी स्पीड में आप फिरें, आपको वाइब्रेशंस इसके अंदर फील नहीं होंगी। साथ में इस बाइक की जो रोड ग्रिप है वो बहुत ज़बरदस्त है, बाइक जम के चलता है, कहीं भी आपको ये फील नहीं कराता कि बाइक उठ रहा है या हवा की वजह से कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है या हल्का फील हो रहा है बाइक, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। इसके बाद अगर हम बाइक के ड्राइव वेट को देखें, तो इस बाइक का जो आपको वैसे ड्राइव वेट मिल रहा है वो है 133 kg। अब इसके ना भागने के पीछे एक इसका वेट भी रीज़न है, 133 किलो का ये बाइक है और साथ में आपको जो इंजन मिल रहा है वो 150 सीसी कैटेगरी का है, बेशक 150 है लेकिन उसके अंदर जो आपको हॉर्स पावर मिल रही है वो कम है। हॉर्स पावर अगर इसकी 12 या 12.5 होती तो फिर इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये बाइक ज़्यादा जाए, ज़्यादा मतलब 120 प्लस करे, लेकिन 110-115 तक करने की रीज़न यही है कि इसका जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और इसमें बेहतर ज़रा भारी चीज़ें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से आपको बाइक में क्वालिटी तो फील होती है लेकिन बाइक का भागना इतना कोई खास आपको फील नहीं होता। GS के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो GS का वेट इससे कम है, जिसकी वजह से उसमें आपको ज़्यादा बेहतरीन आपको पिकअप और स्पीड फील होती है। और उसके साथ साथ इंजन को भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो उसका इंजन 12 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है जबकि इसका इंजन तकरीबन 10.5 कर रहा है, तो फ़र्क है। फ़र्क होने की वजह से आपको अच्छा भला स्पीड में फ़र्क नज़र आता है। अब लास्ट में कर लेते हैं प्राइस की बात, तो इस वक्त आपको सुजुकी GR150 की जो लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो जितने भी बाइक्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्राइस है, और इसकी प्राइस है जी 5,47,000 रुपये, 5,47,000 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। रजिस्ट्रेशन वगैरह के साथ ये बाइक आपको तकरीबन 5,70,000 रुपये तक मिल जाएगा। इसकी सिर्फ प्राइस की वजह से मैं बहुत से लोगों को ये बाइक रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर हम इस बाइक के अंदर फीचर्स वाइज देखें, कंफर्ट देखें, क्वालिटी देखें, तो क्वालिटी वाइज ये बाइक सबसे बेस्ट क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। इस जैसी क्वालिटी इस वक्त मैं कहूँगा कि किसी और बाइक की इसके मुकाबले की क्वालिटी नहीं है, और साथ में आपको जो पार्ट्स की क्वालिटी मिल रही है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ कंफर्ट इस बाइक के अंदर आपको अवेलेबल मिलेगी, आपको अच्छी लुक, अच्छा डिज़ाइन इसके अंदर आपको मिल जाएगा, इस बाइक के अंदर पेट्रोल एवरेज अच्छी मिल जाएगी, तो काफ़ी चीज़ें जो अच्छी हैं इसके अंदर, लेकिन जो एक चीज़ इसके अंदर अच्छी नहीं है वो इसकी प्राइस है, और प्राइस बहुत ज़्यादा है इसकी। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल को बाइक में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।